वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह से प्रदेश में आए दिन भूतपूर्व सैनिकों का उत्पीड़न हो रहा है, उनको न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। प्रदेश में चाहे सांसद या विधायक हो, वो भी सैनिकों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और पुलिस उल्टी कार्रवाई सैनिकों पर ही कर रही है। आज के समय में भूतपूर्व सैनिकों की हालत बहुत खराब है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि प्रदेश में 52 भूतपूर्व सैनिकों का ग्राम विकास अधिकारी के पद पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा अंतिम रूप से चयन के पश्चात और माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज के आदेश के क्रम में भी आयुक्त ग्राम विकास द्वारा तैनाती न दिया जाना, विभाग में भ्रष्टाचार अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए और 52 भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। Hello।